टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मूवी बहुत ही ज्यादा ओके, तो जितना बड़ा इस मूवी का टाइटल है उतना बड़ा मैं ये रिव्यू नहीं रखने वाला हूँ, काफी शॉर्ट रखने वाला हूँ। तो शाहिद और कृति की नई फिल्म, एक नई फ्रेश पेयरिंग हमें बड़े स्क्रीन पर देखने मिली है। कैसी है ये मूवी चलो बताता हूँ। सबसे पहले शाहिद कपूर और कृति सानन, हम सबको पता है दोनों बहुत ही जबरदस्त एक्टर्स है, और इस फिल्म में भी मतलब शाहिद कपूर को देख के ना आपको वो पुराने शाहिद कपूर की याद आएगी। वो एक एरा का एक नॉस्टैल्जिया हिट होता है, वो एरा जब चांस पे डांस जैसे फिल्म्स बनती थी, और 8 साल बाद शाहिद कपूर को खुल के डांस करने का मौका मिला है। कृति सानन यार बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही है, कृति सानन और सिफरा, और उनके जो एक्सप्रेशन है, उनके जो बॉडी लैंग्वेज है ना, बहुत ही ज्यादा क्यूट है। और क्यूट से ज्यादा वो एक्चुअली एक रोबोट की तरह फील होता है, एक्चुअली एक रोबोट की तरह फील होता है, एंड मतलब वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। VFX सिर्फ 20% है मूवी में, तो मुझे जेन्युइनली ऐसा लगा था कि ये लोग बहुत कॉम्प्रोमाइज करेंगे VFX को लेके, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। VFX बहुत ही ज्यादा बेटर है, और बेटर से ज्यादा इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है, और काफी स्मार्टली उन्होंने वो VFX के शॉट्स यूज किए मूवी में। स्पेशल मेंशन इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक, कि जब जब कृति सानन के सीन्स है ना, एक फ्यूचरिस्टिक एक रोबोटिक टाइप BGM प्ले होता है बैकग्राउंड में, एंड आई डोंट नो एक एक्सपेरिमेंट था, बट इट एक्चुअली फील्स रियलिस्टिक। जिसके वजह से मैं इस मूवी के लिए वेट कर रहा था वो था इस फिल्म के गाने, और उस गानों पे जो डांस किया है शाहिद कपूर और कृति सानन ने, मजा आ गया था। और जब वो गाने बड़े स्क्रीन पे भी प्ले होते हैं ना, अब इनफैक्ट डबल एंजॉय करते हो। सो इस फिल्म के गाने एंड डांस 10/10। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मूवी बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, मतलब अपने ट्रेलर में भी देखा है बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रिवील की है, और एक पॉइंट के बाद ना आप प्रेडिक्ट कर दोगे कि आगे क्या होने वाला है। तो एक जो एक सस्पेंस फैक्टर, एक मिस्ट्री वाला फैक्टर है ना, वो इस फिल्म में मिसिंग है। डायलॉग से मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि ट्रेलर में जो 2-3 डायलॉग्स थे वो एक्चुअली फनी थे, बट फिल्म में उन 2-3 डायलॉग्स के अलावा ऐसे कोई फनी फैक्टर्स या फनी डायलॉग्स नहीं है मूवी में। ना ये मूवी उतनी फनी है, ना ये मूवी इतनी लव स्टोरी पे फोकस करती है। बहुत ही ज़्यादा बैलेंस होने के चक्कर में ना वो एक आई डोंट नो एक प्रॉपर बैलेंस नहीं भर पाया, तो कुछ तो मिसिंग था। ओके, सो ओवरऑल शाहिद कपूर और कृति सानन की वजह से ना ये फिल्म एक वन टाइम वॉच है, फैमिली के साथ जाके आप देख सकते हो। मूवी से इतने एक्सपेक्टेशन मत रखो, जाके बस एंजॉय करो, पॉपकॉर्न खाओ, एंड या दैट्स इट।